आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महिला की कनपट्टी से असलहा सटाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर की गई हत्या। गला भी धारदार हत्या से रेता हत्यारों ने गीडा थाना क्षेत्र के कैली गांव की घटना की सूचना पाकर मौके पर आला अधिकारियों के साथ पहुंची गीडा थाने की पुलिस। जांच में जुटी एसएसपी ने कहा, घटना के खुलासा के लिए एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में बनाई गई है 3 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से विपक्ष पर लगातार हैं हमलावर। कहा, मुजफ्फरनगर कैराना में दिख रही है गर्मी, हो जाएगी शांत, मैं मई और जून में भी बना देता हूं शिमला। चार फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू होने वाले नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए परिसर में किया गया बैरिकेटिंग। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 4 फरवरी से कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक आम नागरिकों का कलेक्ट्रेट में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। फरियादी जन सुनवाई पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत, समस्या का किया जाएगा समाधान। महात्मा गांधी जी के 74वें शहादत दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में सायरन बजाकर 2 मिनट का मौन रखकर प्रशासनिक अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। कहा, महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी की लड़ाई लड़कर किया अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर। महानगर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किया श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प। समाजवादी समागम के तत्वाधान में महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी की लड़ी लड़ाई 30 जनवरी को शत शत नमन करता है पूरा देश। और गोरखपुर में रविवार को पाए गए 105 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में घट रही है एक्टिव केस की संख्या। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 1314। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।